मसीह यीशु के गागर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं पूरी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि कल पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट लियाकत रंधावा साहब जो हैं, उनके बेटे को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने की कोशिश की गई, उन्हें जबरदस्ती नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई, उनके गले से क्रास जो है वो उतार ली गई। इस वक्त हम पुलिस थाना सीडवीएम में मौजूद है, डिफेंस सीडवीएम में मौजूद है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस ने मुल्जम को गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरी कौम से अपील है कि वो दुआ करें कि इस बच्चे के साथ इंसाफ हो। इसका खानदान इंतहाई खौफो हरास का शिकार है, पूरा इलाका जो है कल से इंतहाई मुश्किल में है। लोग परेशान हैं कि छोटे बच्चों को सड़क पर सरे राह जाते हुए रोक कर उन्हें अपना मजहब जो है तब्दील करने के लिए फोर्स करना, डराना धमकाना, उनके गले से क्रास जो है वो उतारना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं रियासत को ये बताना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो हमारी फोर्स पर हमले कर रहे हैं, ये उनके ही नुमाइंदे, उनके ही लोग हैं जो लाहौर समेत मुल्क भर में जगह बगह जो है वो छुपे हुए हैं। पूरी कौम इसके लिए दुआ करे ताकि हमें इन लोगों से छुटकारा मिले। पाकिस्तान में आप सबकी सलामती है। बिल्कुल जैसे बुजुर्गों ने बोला है, ये मेरे बेटे के साथ कल ये वाकया पेश आया है और 4 बजे का बच्चा घर से गायब था और तकरीबन 7:30 बजे बच्चा हमें नीम बेहोशी की हालत में मिला है। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बेटा मुझे मिल गया है, और सेकंड ये है कि हमने फौरी तौर पर रात को एप्लीकेशन दी डिफेंस थाना डिफेंस सी में, और डीएसपी गुलाम दस्तगीर साहब और नसरुल्ला चट्ठा साहब एसएचओ ने फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार किया है।